ए छमिया, हाय हाय हाय, क्या कमर है, हाय कमरा है कमरा, क्या बदन है, हाय हाय हाय, कम खाया कर फट जाएगी छमिया। ए छमिया, फिल्म देखने जाएगी? हाँ, कोने की सीट मिलेगी तो जाऊंगी। तो जाना, यहाँ क्यों मूड खराब कर रही है? कपिल शर्मा शो। पाजी, आदतें वो होती हैं जो आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड की तरह आती हैं, हाँ, और बीवी की तरह रुक जाती हैं। और एक बार आदमी शादीशुदा हो जाए, हाँ, फिर दो चार आदतें आपको डालनी पड़ती हैं, जैसे रहने की आदत, हाँ, चुप रहने की आदत, म्याऊं म्याऊं करने की आदत। इसकी वजह से आदमी की जो सेहत है वो ठीक रहती है, हाँ। जैसे आपकी सेहत माशाल्लाह काफी तंदुरुस्त है। तो जितना आप बाहर बोलते हैं घर पे चुप रहते हैं, यही कामयाबी है कि नहीं पाजी? बिल्कुल है, टनाटन। जैसे हर किसी की एक एक अच्छी आदत होती है, कहीं की बुरी आदत होती है। जैसे हमारे दास दादा ना, ये जो फोटो खींच रहे हैं, इनको फोटो खींचने के चक्कर में आदत पड़ गई, एक आंख बंद ही रहती। थोड़ी देर तक इनकी आंख के आगे कैमरा ना आए तो इनकी अपने आप बंद होने लगती है, ऐसे ऐसे करके। इसकी वजह से इनकी वाइफ बड़ी परेशान है, कहती आपकी एक आंख की वजह से किसी मैं दूसरी भी फोड़ूंगी, देखना। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है फालतू में सवाल करने की। प्लेन में जा रहे हैं, पता है प्लेन एक ही जगह पे उतरेगा, फिर भी बोलते हैं दिल्ली जा रहे हैं। कहते नहीं, रास्ते में जयपुर आएगा ना तो मैं कूद जाऊंगा। अच्छा, हॉस्पिटल में आदमी दिख रहा है, हाँ, लेटा हुआ है बेड पे, ऐसे स्लाइन लगी हुई है, हाँ, अरे बीमार हुए? तो कहते नहीं, मुंह से खाते खाते बोर हो गए तो सोचा ग्लूकोज लगवा ले। शरेआम कोई अपना कुत्ता घुमा रहा है, उसको बोला अरे कुत्ता रख लिया आपने? कहते नहीं, घोड़ा है, छोटा रह गया ये। अच्छा, कुछ लोगों की कमियां निकालने की आदत होती है, कुछ भी हो जाए, उनको बोलते हो विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, नहीं वो बनाई तो है, वो बात नहीं बनी। उनको बाहुबली दिखा दो, कैसी लगी? ठीक है, वो बात नहीं बनी। उनको पूछो वो बात होती क्या, वो तो नहीं पता पर वो बात नहीं बनी। ऐसे लोग तब पिटते हैं जब बड़ा सुंदर सा बच्चा होता है ना घर पे, बीवी को जाके बोल देते हैं वो बात नहीं बनी। और बीवी फिर फ्रस्ट्रेशन में बोलती है कि ये मुंह के साथ ये बात बन गई ना, गरिमत है ये, तो ये मुंह तो चुप रहने वाला था। कुछ लोगों को कहानी सुनाने की बड़ी आदत होती है, जैसे हमारा गोपाल है ना, कीबोर्ड बैठा, ये डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर साहब मैं घर से निकला, ऐसे ऑटो वाला मिला, मैंने कहा मलाड ले चो, उसने कहा नहीं मेरा ऑटो वाले से झगड़ा हो गया। उसके बाद मैं बस स्टैंड गया, बस के अंदर घुसा तो कंडक्टर कहता, डॉक्टर कहता मेरी बात सुनो, बीमारी बताओ, यही बीमारी है सर, कहानी सुनाने की कैसे झूठेगी। कुछ बीवियों को आदत होती है शक करने की, ऐसे ही पूछ लेंगी, पति वैसे किसी खुशी मूड में हो ना तो वैसे ही पूछ लेंगी, तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? आदमी भी सोचता है इतना चक्कर चलाने लायक होता तो ऐसे चाचा चौधरी जैसी बीवी से शादी करता मैं। अच्छा, आप देख लो भाजी, अंग्रेज लोग जो होते हैं उनको आदत नहीं होती रिएक्शन देने की ज्यादा, बहुत बड़ी भगवान अगर ट्रेजेडी हो जाए तो इतना साता है, ओह इट्स रियली सैड। हमारे लोगों को आदत होगी बड़ा रिएक्शन देने की, बिजली का बिल भी आ जाए ना उस पर भी बड़ा रिएक्शन आता है, 2000 बिल आ गया। मतलब अंग्रेज लोग आपके सामने अंगड़ाई ले जाएंगे, पता नहीं चलेगा, इतना सा करेंगे यार, व्हाट्सअप गुड, बात खत्म। हमारे लोग अंगड़ाई लेते जैसे गाड़ी के नीचे आ गए, और छींक मार के तो सामने वाले को बेहोश कर देते हैं, होश फैल जाते हैं पूरा। अच्छा, कुछ लोगों को खराटे लेने की आदत होती है, घर पे तो चलो घर वाले बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको पता होता है, ऐसे लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं ना तो तब लोगों को बड़ा परेशान करते हैं, जैसे जैसे ट्रेन स्पीड पकड़ती ना इनके खराटे तेज होते रहते हैं, रिदम चलती ना दिमाग में, और जैसे ही ट्रेन स्लो होती इनके खराटे भी स्लो होते हैं। अच्छा, कई लोगों को बारगेनिंग करने की बड़ी आदत होती है, कहीं पे भी चले जाएं एक लाइन उनकी पक्की होती है, ठीक ठीक लगा लो दो ले लेंगे। हमारे शमशेर पाजी के बेटा हुआ, डॉक्टर ने इतना बड़ा बिल दे दिया, कहते यार इतना बिल, ठीक ठीक लगा लो दो ले लेंगे। अब हुआ ही एक है तो दो कहाँ से ले लोगे। अच्छा, कुछ लोगों को नेगेटिव बात करने की बड़ी आदत होती है, हॉस्पिटल में किसी का पता लेने चले जाए ना उनसे पूछते हैं बेटा कैसी है तबीयत, कहते जी ठीक है बेटा, बाहर से ही ठीक लगती है, बीमारी तो अंदर होती है, और तुम तो बच गए, हमारे बहनोई को हार्ट अटैक आया था, अस्पताल जाने का टाइम नहीं लगा,
कहते नहीं नहीं आंटी मुझे तो बुखार ही आया था। पहले पहले बुखार ही आता है, हार्ट अटैक बाद में घुसता है। अच्छा कुछ आदतें जो होती हैं अच्छी वाली होती हैं, गुड हैबिट्स, कुछ बुरी आदतें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे अपनों को भी होती हैं, बाहर सोसाइटी में निकलते हैं बहुत सारे लोगों को होती हैं। यहाँ पे हमारे कोई दोस्त हैं जिनको इस मुद्दे पे कोई विचार विमर्श करना है। जी भाई साहब। मुझे ना भूलने की बहुत आदत है। अच्छा। मैं तुरंत भूल जाता हूँ कोई भी बात हो, जैसे अभी किसी बॉस ने कुछ काम कहा, जैसे ऑफिस से बाहर आया आते ही भूल जाता हूँ उसके बाद। आपका तो नाम क्या है भुलक्कड़ भैया? यशपाल सतीजा। तो शादी की आपने वो याद है आपको ना? है जी। हाँ जी। मैडम को तो नहीं भूले कभी आप? नहीं एक बार बता रहा हूँ भूल गया। अच्छा। बाजार जाना था, मिसिज ने कहा तैयार हो जाओ मैं साथ चलूंगी। अच्छा। मैं बाहर गया इतने में स्कूटर लेके निकल गया बाजार। अच्छा। से काम करके भी आ गया, फिर कहने के मुझे साथ जाना था, ये साथ आई है मिसेज मेरे। तो ये जानबूझ के नहीं भूल जाते ऐसी चीजें? नहीं कई बार पर्सनालिटी आदमी ऐसी मैं भूल जाता हूँ जानबूझ के निकल जाओ। कई बार ऐसा होता है कि मिसेज ने कोई सामान ऐसा बताया जो महंगा है मैं लाना नहीं चाहता। अच्छा। तो मैं आके कह देता हूँ भूल गया जब मुझे याद होता है। अभी तो नहीं ये भूलने देंगे, अभी तो उनको पता चल गया आपने सामने बोल दिया उनके। नहीं अब तो कई बार ऐसा हो ही जाता है। अच्छा। सर वैसे काम क्या करते हैं सर आप? मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट हैं आप? हाँ जी। और उसके बावजूद आपको भूलने की बीमारी है? आपका तो कोई कुछ नहीं जाएगा, जिनका अकाउंट संभालते हो उनका क्या करोगे आप? नहीं अकाउंट से याद रहता है, खाली बीवी को मार्केट ले जाना भूल जाते हैं। हाँ जी। अकाउंट वाले आदमी है ना, बजट के हिसाब से दिमाग चलता है इनका। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? यस। ये मेरे चाचा जी को आदत है। क्या? वो कभी भी फाट कर देते हैं। एक मेरा एक बार बर्थडे, मेरा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा था, मेरे फ्रेंड्स लोग सब आए हुए थे, सेलिब्रेशन चल रहा था, उन्होंने फाट कर दिया। तो आज तक को लगा किसी ने बलून फोड़ा है। तो आज तक मेरे को फ्रेंड्स चिढ़ाते इस बात को लेके। तो फ्रेंड्स को बोलो चाचा जी ने किया था, मेरा क्या कसूर है इसमें? पर ऐसा होता है कई बुजुर्ग लोग नहीं बिल्कुल शर्माते, वो कभी कोई बैठे होते हैं उनको पता अब किसको इंप्रेस करना और किसको, वो बैठे बैठे महफिल में और ऐसे रिएक्ट करते जैसे हुआ ही कुछ नहीं। हाँ। और सुनाओ गुप्ता जी, काम धंधा सब ठीक है? कहते हमारा तो ठीक है, आप अपना देखो। तो चाची साथ में रहती हैं? हाँ, चाची भी इस बात से लेके बहुत परेशान रहती है, उनको हमेशा टोकती रहती है इस बात को लेके। पहले एक दो साल टोका होगा, उसके बाद तो चाची को आदत हो गई होगी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चाचा जी से दूरी रहना, अभी टीवी पे देख लेंगे ना आपको, तो या तो वो सब करना बंद कर देंगे नहीं तो गुस्से में और ज्यादा शुरू कर देंगे। थैंक यू लिटिल गर्ल। और कोई हमारे दोस्त? यस मैम। मुझे हंसने की बुरी आदत है। ये तो बहुत अच्छी आदत है। हर टाइम हर बात पे हंसना। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। अभी नहीं हुई ना? तो नहीं, ये तो शादी के बाद भी हंसती रहेंगी, वो तो सामने वाली पार्टी की बंद करवाएंगी ये। तो कब कर रही है फिर शादी? अच्छी बात है, ऐसी हसमुख बीवी तो हर किसी को भगवान दे। सर आप रेडी हो? हाँ जी आप रेडी? एक्चुअली मुझे भी हंसना हंसाना बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए नहीं। सर साथ में करेंगे ना? साथ में शो करेंगे ना? कहाँ शो करेंगे? कहाँ से आई आप? सर अयोध्या। वाह क्या बात है, बड़ी पवित्र नगरी से आप आई हैं जी। पर अच्छी बात है आप अयोध्या से आई हैं, इसीलिए शायद भगवान ने आपको ऐसा बनाया हसमुख। अयोध्या में सारे हंसते रहते हैं जी? बिल्कुल। पर आज तो आप हंसी नहीं, आप तो सीरियस हैं बड़ी। सर आपको देख के हंसी नहीं आ रही है। और आपकी क्या सेवा करें आप, इतनी दूर से आई हैं? घूमने आई हैं मुंबई जी? कहाँ कहाँ घूमने? आपसे मिलने आए हैं। सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो गाना ही गा दो कुछ कुछ होता है, गाना ही गा दो कुछ देख के उनको। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी तारीफ करें कि लाना डाल कहती है। आपको देख के सब कुछ भूल गई। आप फैमिली के साथ आई हैं अकेली आई हैं? जी दीदी के साथ आई हूँ। अरे दीदी कैसी हो? दीदी बड़ी स्टाइलिश है, आपकी चश्मा लगाया हुआ है इधर, बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका, ऐसे लगा के बैठो रात को? शो के लिए लगाया मैंने। मुंबई में ही रहते हैं आप? नहीं नहीं हम भी अयोध्या से ही आए हैं। अच्छा जी, जी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पर आज हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी एक अजीब आदत हो गई है चोरी करने की है? और उन्होंने चोरी भी कहा कि बैंक में। अच्छा। और अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो पुलिस तो पीछे रहेगी, क्योंकि चोर पुलिस का जो है जन्म जन्म का साथ है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा द वेरी हैंडसम वेरी टैलेंटेड
रितेश देशमुख एंड विवेक ओब्रॉय. थैंक यू थैंक यू. है मस्ती के ये सौदागर. वाह. अंदाज निराला है. वाह. हरारत ऐसी कि चादर बता के रुमाल बेच डाला है. क्या बात है. आप दोनों की जोड़ी जमती है कुछ ऐसे जैसे ताश की बाजी में इक्के पे इक्का डाला. क्या बात है सर. क्या बात है. सबसे पहले तो आपको बैंक चोर के लिए बधाई. थैंक यू. आप दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है कि साथ में काफी सारी फिल्में करनी लाइफ में. नहीं क्या है कि इसके साथ कोई कर नहीं रहा है. नहीं एक्चुअली ना दोनों इतने हैंडसम हैं, दोनों इतने स्मार्ट हैं. अगर ट्रेलर ना देखे तो आपको पता नहीं चलेगा कि चोर का रोल किसने किया होगा. तो चोर कौन बना है. चोर तो मैं ही बना हूं. बेचारा चोर जिसे पता ही नहीं कि बैंक को कैसे लूटा जाए. अच्छा तो क्या होता है कि पाजी बैंक को अकेले तो लूट नहीं सकते. इसलिए दो लोगों को और हायर कर लेते हैं कि भैया मदद कर लो. और वो दोनों भी उत्तर भारतीय है. तो वो भी एक मराठी आदमी उत्तर भारतीय को लेके आता है. बोलते हैं हम तीनों मिलकर बैंक लूटेंगे. और पहली बार हम दोनों को बच्चे भी स्क्रीन पर देख पाएंगे. हाँ साथ में. बड़ी साफ सुथरी चोरी की है. एक फैमिली फिल्म है. ऐसी ऑडियंसेस भी हमें देखने को मिलेगी बड़े सालों के बाद. करेक्ट. रितेश एक सवाल था जी जो दर्शकों ने पूछा था जी. कि इस फिल्म में तशरीफ का काफी इस्तेमाल किया गया है जी. और तशरीफ पे अच्छा खासा एक गाना है. हाँ. जी. तो अगर आपकी तशरीफ में दर्द नहीं हो रहा आप यहाँ पे प्लीज विराजमान हो जाइए. और ये बताइए रितेश जी फूल पत्तियां झरने पहाड़ जी ये सब छोड़ के तशरीफ पे गाना लिखने का ये इनिशिएटिव किसने लिया था. किसी एनजीओ ने सजेस्ट किया था आपको. हर जगह होता है ना कि तुम्हारी जुल्फे बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, ये हाथ मेरे हाथ में दे दो, इस कदम को यहाँ पर बढ़ाओ. तशरीफ को इम्पोर्टेंस नहीं है इस देश में. बिल्कुल सही कहा इन्होंने. जबकि पैर थक जाए तो तशरीफ ही आराम देती है. क्या बात है क्या बात है. वाह वाह. बहुत गंभीर बात कही आपने तशरीफ की तारीफ में. एक्चुअली बड़ी अंडररेटेड ये जो है चीज है. और सुनिए पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तानी सिनेमा में 100 सालों में रितेश देशमुख के नाम के उसकी तशरीफ के नाम का गाना बना. मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरे हिसाब से विवेक की तशरीफ मुझसे बड़ी है. चलिए भगवान आपकी तशरीफ को सलामत रखे. और ये तो है कि विवेक और रितेश जब भी आते हैं बड़ी एक अलग सी एनर्जी आती है. बहुत अच्छा लगता है आप जब भी आते हैं. थैंक यू बाजी. अच्छा बाजी मैंने कहीं सुना था पता नहीं कहते जयंती भाई की लव स्टोरी जब आप कर रहे थे तो आपकी वाइफ टिफिन लेके पहुंच गई थी. और इनका कोई बड़ा ही प्यार मोहब्बत वाला सीन था तो वो अक्सर खाना लेके जाते कि उनको पता चल गया था कि आज कुछ और टेस्ट करने वाले हैं आप. अक्सर आती हैं प्रियंका आपके लिए खाना लेकर. अक्सर तो नहीं आती हैं लेकिन कभी कभी आ जाती हैं. एंड सेट पे एक अच्छा माहौल भी बन जाता है जब घर से खाना आता है तो. और मैं हमेशा घर से मंगाता हूं तो मैंने कहा कि सबके लिए लाया करो ताकि सब बैठ के साथ में एंजॉय किया करें घर के खाने का. पर उस दिन वो सीन ऑब्वियसली एक रोमांटिक सीन था. बारिश का सीन था रोमांस. और मुझे प्रियंका ने बताया था कि बड़े प्यार से उस दिन कांदा खिलाया था. आज कांदा खा तू मैंने इतने प्यार से. आपके साथ कभी ऐसे रितेश हुआ कभी काय दोनों के बीच में मैं फंस गया. आनंदमय सीन कर रहे हो. नहीं मेरा प्रॉब्लम है मेरे को आज तक रोमांटिक सीन मिले नहीं. इसकी वजह क्या लगती है आपको. आपने कभी अपना नाश्ता चेक किया है जिन्हें लिए उसमें कांदा तो नहीं डालती. अजी आपको बताया रितेश ने अपना सपना मनी मनी में चोरी की, ब्लफ मास्टर में चोरी की, बैंक चोर में चोरी कर रहे हैं. आप इंडस्ट्री में एक्टर बनने आए थे चोर बनने आए थे. एक्चुअली ये दिमाग वाला काम है और बहुत बड़ा दिल चाहिए चोरी करने के लिए. वो मैं तो डर जाता हूँ ऐसे असली जिंदगी में. एक बार मैंने चोरी की थी, स्केच पेन चुराए थे बचपन में स्कूल में. अच्छा इतनी बड़ी फैमिली के बच्चे भी करते हैं ऐसे. हाँ वो लड़का आया था लंदन से और बात है अर्ली 90s की. और लंदन से वो स्केच पेन लेके आया था, क्लास में बैठ गया, शाइनिंग मार रहा था. अरे लंदन से आया हूँ लंदन से आया हूँ. अच्छा मैंने देखा बोला अच्छा है. स्कूल ख़त्म हो गया, एक क्लास जो बचा था उसके पहले उसके स्केच पेन मेरे बैग में थे. अच्छा ले लिए मैंने और घर चला गया. घर में पूछा ये कहाँ से आए, तो मैंने कहा एक लड़का लंदन से आया था,
उसका बर्थडे था, उसने पूरे क्लास को एक-एक दे दिया। क्या बात है, क्या बात है, दिमाग चाहिए। फिर बात ये रही कि उस स्केचपेन क्लास में लेके जाऊं या नहीं जाऊं। पाजी पूरे एक साल उस स्केचपेन घर पे रखे, रगड़ रगड़ के खत्म कर दिया ताकि कोई सबूत नहीं रखा मैंने। लेकिन यार वो क्या सोच है? वो जो चोरी थी ना जी, वो बड़ी छोटी चोरी थी। आजकल तू बड़ी चोरी कर रहा है, तू हिंदुस्तानियों के दिलों को चुरा रहा है। बड़ी कन्फेस कर लिया कि मैंने बचपन में ऐसा किया था। वे कभी आपने कभी बचपन में ऐसी कोई चोरी की है? मैं कभी चोरी करता ही नहीं, इसलिए आपको पुलिस वाले का रोल मिला है। हाँ बिल्कुल सही, ये झूठा है। अरे बाप रे पाजी, ये रात को उठ के बच्चों के चॉकलेट खाता है। कभी कभी यार हो जाता है, रात को भूख लगती है। पहले पापा है जो बच्चों की चॉकलेट खाई जा रहे हैं, वाह अच्छी बात है, खा लेनी चाहिए कभी कभी। यहाँ पे हमारे जो मेहमान बैठे हैं, कभी आपने बचपन में, जवानी में, कॉलेज में, स्कूल में कभी कोई ऐसी चोरी की हो जो आप कन्फेस करना चाहते हो, आप कर सकते हैं। वेरी गुड, लेडीज फर्स्ट, महिलाएं हर काम में आगे हैं। क्या बात है। हेलो सर, मेरा नाम राधा राठौर है। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। राधा राठौर और इंदौर से आई हूँ मैं सर। अच्छा जी सर, बचपन की चोरी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी प्लीज। हमारे पापा की पान की दुकान हुआ करती थी पहले। अच्छा जी। तो उस समय बहुत सारी चिल्लर आती थी, तो 9-10 बजे दुकान बंद करते थे और घर में आकर गिनते थे, तो एक एक व्यक्ति से गिनने की बस की बात नहीं थी, 4-5 लोग मिलकर गिनते थे चिल्लर को। ढेरियां बनाते हैं ऐसे? जी सर ऐसे। हाँ, तो फिर? और फिर मैं भी बैठती थी, उस समय मेरी उम्र 10 वर्ष की होगी लगभग, तो आलती पालती मार के बैठते थे, तो धीरे 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 चिल्लर में अपने आप पालती के नीचे छिपाती जाती थी। ऐसे करके सर मैंने 2-3 साल में 2000 रुपए जोड़े थे, उस समय की बात बता रही हूँ। पापा पान लगाते हैं, पापा को चूना लगा गई। क्या बात है, क्या बात है, बाबा। तो फिर आप पापा कहते नहीं थे उठ के जाओ बेटा अभी गिनती हो गई? उनको पता ही नहीं पड़ता था सर, 2000 रुपए तब मैंने दिए उनको, तब उनको मालूम पड़ा कि कहाँ से पैसे आए आपके पास। वापस दे दिए उनको? हाँ, जोड़ जाड़ के। क्या बात, उन्होंने इन्हीं की शादी पे खर्चा किया होगा ना। हाँ सर। शुक्रिया राधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जो कन्फेस करना चाहते हैं? जी मैम। कपिल जी, माई नेम इज मंशा, आई कम फ्रॉम गुड़गांव। मैं अपने हस्बैंड की पॉकेट से पैसे निकालती थी, तो वो करके मैं बहुत सेफ करती रही, लेकिन डिमोनेटाइजेशन का समय जो आया उस समय मेरे सारा ब्लैक मनी वाइट हो गया। उस टाइम तो कितने जोड़े थे आपने? मैंने 35-40 हज़ार के आसपास जोड़ लिए, जो कि मुझे उनको देने पड़ गए। अभी भी मैं चोरी निकालती हूँ पैसे, अब मैं 2000 के नोट निकालती हूँ, पहले मैं 100-100 के निकालती थी। तरक्की तरक्की, वाह। आपकी वाइफ्स भी निकालती होंगी, आपको पता होगा हमारे इंडस्ट्री में सब चेक से होता है, टेबल पे रखो तो बाउंस होता है। पति क्या करते हैं आपके? इंटीरियर डिजाइनर हैं। अच्छा अच्छा, तो आप उनका इंटीरियर चेक करती रहती है अंदर पॉकेट में क्या? पर ये बड़ी अच्छी बात है, अगर पत्नियां जो अपने पति की जेब से पैसा निकालती भी हैं, तो एंड ऑफ द डे उनको उन्हीं को ही देना होता है, या घर के किसी काम के लिए। इसीलिए ये अच्छी बात है, पति खुद सेव नहीं कर पाते। बिल्कुल, जो अपने आप को शादी से ही नहीं सेव कर पाया आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त कोई कन्फेस करना चाहते हो? लो जी। जी वाह जी। सर मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल की चोरी करती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अच्छा। तो अभी जैसे 2 हफ्ता पहले भी हम शिमला, मनाली, चंडीगढ़ सब घूम के आए, तो मैं सब 5-स्टार होटल्स में जो भी टॉयलेट में शैम्पू और टूथपेस्ट वो सब किट रहते हैं ना, वो मैं ले आती हूँ। काफी 5-स्टार चोर है आप है? क्या बात है, 5-स्टार चोर। मेरे हस्बैंड मना करते हैं मुझे, बट मैं उनको बोलती हूँ देखो हम तो पे कर रहे हैं ना उसके लिए। जी जी जी। तो फिर हम घर ले ला सकते हैं। अगर पे कर रहे हो तो कमोड भी उखाड़ लो। नहीं तो बट मैंने अभी इतना जमा कर लिया, इतने सारे इकट्ठा कर लिए कि मैं सबको बांटती रहती हूँ कि लो भाई ब्रांडेड शावर जेल्स हैं। मतलब ये साबुन और शैम्पू की रॉबिन हुड है, 5-स्टार से चुरा के गरीबों में बांट रही हैं। नहीं नहीं, घर वाले भी खुश होते हैं कि कुछ लेके आए हैं। तो चोरी के शैम्पू? नहीं थोड़ा ब्रांडेड वाला रहता है ना, तो वो भी खुश हो जाते हैं एक्चुअली। क्या बात, खुशबूदार बैंक वाला, क्या जाग वाला, क्या जाग वाला, डायलॉग बोलो आप अपना डायलॉग। बंधू आणि भगिनींनो, मी आहे तुमचा खुशबूदार झागवाला बँक चोर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हाँ हमारे इधर तो आपको कोई ऐसा सामान नजर नहीं ना आया,
यहाँ पे तो कुछ पे भी नहीं करना पड़ता, यहाँ पे ऐसे आप दोनों साथ में नहीं आए? मैंने कहा मेरे साथ में बैठी, मेरा कुछ ना चुरा ले, मैं अपना क्लिप क्लिप इधर कर लूं। मुझे डर लग गया। ये जो साथ में है आपके रिलेटिव है? मिस्टर है। अच्छा 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 मिस्टर, आप उनकी मिसेज है? आप बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग है, कहाँ से हैं आप मैम? यही मीरा रोड से। अच्छा, मुझे लगा यही इधर स्टूडियो से ही कहीं। अच्छा, आपने कभी कुछ नहीं चुराया? मैंने इनका दिल चुराया बस। अच्छा, वो चाहे अंदर से बोल रहे हो जबरदस्ती शादी करवाई है हमारे। आपकी लव मैरिज हुई? नहीं, अरेंज मैरिज। बहुत अच्छा लगा आप शो में आए। वेक, आपको पता है हैंडसम आदमी है, लेकिन इन्होंने बैड बॉय के रोल भी काफी किए, जैसे इन्होंने कंपनी में चंदू का रोल किया। मुझे ओंकारा वाला रोल बड़ा जबरदस्त लगा। केसु फिरंगी ना? थैंक यू, कमाल, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा सवाल कोई नहीं था, वो वैसे ही फिरंगी का प्रमोशन नहीं किया था, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा बीच में, मैं कहा थोड़ा एक तीर से दो शिकार। बट प्रमोशन चली रही तो कह दूं, मैंने थोड़ी सी कॉन्सेप्ट सुनी, सुपर्ब, ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई। और वन लाइन सुन के पता चलता है कि कुछ अलग किया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी डील हुई है, एक दूसरे की फिल्मों की तारीफ करनी है। हे, व्हाट अ जॉब, व्हाट अ जॉब, यू आर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हे सिद्धू जी, हे रितेश जी, विवेक जी, देख के बड़ा खुशी हो रहा है आप दोनों को। एक मिनट यार, हमको देख के ना खुशी एक बात का और हो रहा है दोस्त, कि आज हम भैंसिया लेके आए, कहीं सांड लेके आए होते तो लाल रंग देख के ऐसे आपका सांड विच बन जाता। आई हैव पिटी फॉर यू। सर, हम आपको बताएं, बड़ा खुशी का बात है कि आप इंडिया में पैदा हुए, कहीं किसी और देश में पैदा होते तो रितेश विदेश मुख हो जाते। क्या है, क्या खाली पासपोर्ट बनवाए ना, तो एकदम इंटरनेशनल जॉक से शुरुआत किए, माहौल बना दिया पूरा का पूरा। विवेक जी, आपका सारा फिल्में देखा हम, देख के बड़ा अच्छा लगता है। अरे जो भाई वाई के रोल किए ना आप फिल्मों में, ओहो हो, देख के पता चलता है कि इनके घर में भी भाईगिरी का माहौल हो गया होगा। चलिए, ये रामू जो बोला, आप राम गोपाल वर्मा की तो बात नहीं कर रहे ना? अरे नहीं, नहीं, इससे कैसे चले लीजिए, लेकिन आते का जॉक्स पे जॉक्स मार दिया यार हमने, कहीं हमको नजर ना लग जाए। एक मिनट, ये क्या कर रहा है? अरे अपने काला टीका लगा रहे, कच्चा काला पहने ना, रंग भी छोड़ता है। बच्चा करने क्या आया यहाँ पे? ए यार, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, एक कच्चे वाला हाथ से नहीं मिला। नहीं, नहीं नहीं यार, अलग सवाल पूछा आज इन्होंने। बच्चा तू यहाँ करने क्या आया है, इट्स ऑल डिफरेंट। अच्छा, अरे यार, जाहिर सी बात है, बड़े बड़े कलाकार आए हुए, तो हमने सोचा है कि आप लोगों के साथ हम एक फिल्म बनाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, टेंशन मत लीजिए, आप दोनों फिल्म के हीरो हैं। अच्छा, एक छोटा सा रोल है एक दोस्त का, वो नाचीज निभा लेगा, आई विल बी दोस्त। तो ये फिल्म की कहानी क्या है? देखिए, फिल्म का कहानी है, शुरुआत में क्या होता है, दो भाई हैं, आप दोनों हीरो। अच्छा, ऐसा गार्डन में चल रहे हैं, सामने से लड़की आ रहा है, अचानक से गुंडे आते हैं, लड़की को छेड़छाड़ शुरू, और ये गुंडे को मारते हैं। अरे नहीं नहीं, ये दोस्त को आवाज लगाते हैं। अब दोस्त आया, वो गुंडे को पकड़ के धन्ना धन धन्ना धन धन्ना धन देता है, और चारों खाने चित वो गुंडे। तो फिर दोनों हीरो क्या कर रहे हैं? ये ताली बजा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, डायलॉग भी हैं, हम फिल्म का डायलॉग भी आपके लिए लिख के लेकर आए हैं। इट्स अ फुल सीन यार, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे खाली ताली बजा के। ये सर आपके डायलॉग है, आप कहते हैं वाह वाह क्या मारा है, आप कहते हैं वाह वाह क्या मारा है। इसमें सर आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं इफ यू वांट, आप कह सकते हैं कि क्या मारा है वाह वाह, ये सिर्फ क्या मारा है वाह वाह वाह, ऐड भी कर दिया। देखिए, एक शब्द डाला है इन्होंने, इम्प्रोवाइज देखिए, या कह दीजिए वाह क्या मारा है वाह। कुछ भी देखिए, हम क्या है कि एक्टर को बांधते नहीं है सर। कह रहे तो चलिए ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब लड़की को जो है दोस्त से हो गया है प्यार। अच्छा, वो दोस्त से कहती है कि यार तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कहते हैं दोस्त,
नाम तो सुना होगा। दिल तो पागल का डायलॉग है ये तो। ये यूज हो गया पहले? हाँ। अरे यार तो कोई बात नहीं यार, इतना सा स्क्रिप्ट में से काट देते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यही करना है। ये वाला सीन कैंसल। कोई बात नहीं, आगे का सीन सुनाते हैं। अब ये जो बच्चा है मतलब दोस्त यानी कि हम, ये अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी इसको माहेश्वरी का राजा बना देती है। अब इसका जो भाई है इससे जलता है, तो भाई मामा के थ्रू इसका मर्डर करा देता है। ये बाहुबली 2 की कहानी नहीं सुना रहा तू? ये वाला सीन भी हो गया है। चलो कोई बात नहीं यार, ये वाला सीन भी कैंसल। कोई बात नहीं। देखिए क्या है सर, के सारा का सारा ओरिजिनल कहानी के ऊपर लोगों ने पिक्चर बना दिया है, तो व्हाट टू डू यार। अब हम कॉपी करेंगे तो लोग कहेंगे कॉपी करता है। तो बात हुआ, सारी तो स्टोरी तूने फाड़ दी कहानी। पर चलिए ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो खाली ट्रेलर था। मेन फिल्म जो है ना हम बनाएंगे, एक बार आप साइन कर ले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, फिर फिल्म बनेगा, लिखना शुरू करते हैं जी। तो नाम क्या है तेरी फिल्म का? फिल्म का नाम है RVKSD, मतलब रितेश विवेक का सुपर दोस्त। अच्छा, क्या बात है। आप हमारा ट्रस्ट कीजिए सर जी। ये फिल्म के बाद जब आप सड़क पे निकलेंगे ना, लोग कहेंगे देखिए दोस्त का रितेश जा रहा है, देखिए दोस्त का विवेक जा रहा है। क्या बात, ऐसा होगा सर, माहौल बन जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है सर, बस ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए, फिर अपन रेडी हैं। क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में? सर कुछ नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि शूटिंग पर आपको घर का खाना मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली आप लोगों के घर से ही आएगा खाना। खैर आप बताइए, फिल्म में कपड़े किसके पहनेंगे? मनीष मल्होत्रा के पहनेंगे। नहीं तो वो क्या पहनेंगे, ऐसे थोड़ी होता है यार। बच्चा तू अगर जोक सुनाएगा ना, हो सकता है तेरी फिल्म साइन कर ले। ऐसा यार, जोक सुना यार। लीजिए सर, हम आपको बता देते हैं ये क्या है, कि यहाँ पे हमारा जोक बॉक्स सुनाने का ना एक चलता है जी। एक पिटारा है अपने पास जी। ओके, आर यू रेडी? चलो लेट्स गो। जोक्स। एक बार एक आदमी है, उसके जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं जी। एक का नाम है ले, दूसरे का नाम है दे। अब वो क्या है, खाली दे को अपनी गोद में लेता है, ले को गोद में नहीं लेता। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि ले भारी है। पहले का फिल्म का भी प्रमोशन गुजर दिया। ये फिल्म तो आ चुकी है, कब की हिट भी हो गई। तो क्या हुआ यार, अपने फ्रेंड है यार, अपना प्रमोशन चलता रहता है एट एवरी लेवल। ये तो कुछ भी नहीं सर, एक और जोक है, पेश करें? जोक रेडी है सर? रेडी रेडी। 3 + 3 = 8, बताइए कैसे? कैसे? गलती से। ओह गॉड, हम इतने फनी कैसे पैदा हुए पता नहीं, पर वाले का देन है बताइए। चलिए सर मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच। क्या मारा है, थैंक यू। ऑल राइट, एंजॉय ब्रो, यो ब्रो, सी यू लेटर। भाई रितेश ने ना कहीं सोशल नेटवर्किंग पे लिखा कि मैं और जेनेलिया जब पहली फिल्म कर रहे थे तो एक सीन में जेनेलिया को इनको थप्पड़ मारना था, उसके इतने रीटेक हुए कि इनकी जबड़े में आज तक दर्द होता है। तो आर यू श्योर कि ये वही थप्पड़ है या अभी भी रीटेक हो जाता है? नहीं भाई जी, वो क्या है ना, उस थप्पड़ की गूंज लेकिन एक सेकंड टेक ओके था और मेरी पहली फिल्म थी, मैं सोचा नो आई वांट टू फील इट, तो जो जोर से मारा है उसने अब तक याद है। अच्छा मुझे एक बात बताओ रितेश, जितनी फिल्मों में लड़की बने बड़े खूबसूरत लगते हैं, कभी घर वालों ने कहा ना कि मारा छोरा छोरी से कम है के? मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, आपकी यहाँ पे एक फोटो है हमारे पास, बताओ। और एक और फोटो है हमारे पास जिसमें रितेश के कपड़े जेनेलिया ने भी पहने, अब पता नहीं इन्होंने जेनेलिया कपड़े पहने हुए हैं। रितेश है? हाँ, वैक्सीन करा के। भाई कसम से आप कटरीना कैफ से कम नहीं लग रहे हो। वो अच्छा, जेनेलिया है बाजू में। अच्छा जेनेलिया ने सेम कपड़े पहने हुए हैं? नहीं एक्चुअली ये हुआ क्या था, हम लोग शूट कर रहे थे और सैफ और मैं हम दोनों मॉरिशस में थे और हम लोग ने सोचा कि कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की बनेगा। अच्छा सैफ ने मुझे बोला कि आई विल बी बेटर देन यू, और फिर करीना सैफ को तैयार कर रही थी।
और जिनी ले मुझे तैयार कर, मैंने सैफ को देख लिया, मेरी लंबी स्कर्ट थी अच्छा, और सैफ ने छोटी स्कर्ट पहनी, आई वांट टू बी हॉटर देन यू अच्छा, तो मैंने सैफ को देख लिया, मतलब मेरे पास स्कर्ट नहीं, मैं क्या करूं, तो मैंने जिनी की स्कर्ट ले ली और पहन ली। क्या बात है यार, अच्छा भाई भाई बहनों के कपड़े तो एक दूसरे के पहनते थे, ये अच्छा है मियां बीवी, कमाल है। विवेक और रितेश दोनों ही फैमिली पर्सन हैं और दोनों ही पापा भी हैं, तो हमारे कुछ फैमिली गेस्ट जो आए हैं उनके कुछ सवाल थे जी, कि दोनों में से कौन बेटर फैमिली मैन है, कि बच्चा जब रात को रोए तो उसको कैसे चुप कराया जाता है। गोद में उठा लो और कीप रॉकिंग हिम अच्छा, उसके बम पे टैप करो। मैं पीठ पे करता हूँ, क्लियर कर दूं। अच्छा क्वेश्चन ये है कि बच्चे को सुसु नहीं आता तो कैसी आवाज निकाल के सुसु करवाते हैं, हालांकि बच्चा तो अपने आप वेरी नाइस यार, ये मल्टी टैलेंटेड। लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा देर तक मत कीजिए अच्छा, क्योंकि फिर पता नहीं चलता बच्चा सुसु करे कि बाबा। और बीच रात में अक्सर अरे सॉरी सॉरी मेरा डायपर कहाँ गया। अच्छा बच्चे की नैपी जो है वो सीधा करके बदलते हैं कि बच्चे को उल्टा लटा के, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कुछ हमारे दर्शक, प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं उल्टा लटा के जी हाँ, बच्चे की नैपी कितनी फास्ट कौन चेंज करता है, हम आप मंगवाएं आपके लिए यहाँ। हाँ बिल्कुल बच्चे प्लीज लेके आइए, ये बेसिकली कॉम्पिटिशन है आप दोनों में, तो 10 बच्चे हैं जी, 5 बच्चे इनके पास हैं, 5 आपके पास जी, डायपर आपके पास अनलिमिटेड है, टाइम शुरू करते हैं सर, आपको जितनी स्पीड से बांध सकते हैं आप। अरे लेकिन इसके बीच में से क्या जाएगा यार, नहीं वो आप देखो, टांगे अलग अलग ऐसे ऐसे करनी पड़ी, बड़ा मुश्किल है, तो वही तो टाइम है सर, अगर सीधा सीधा चिपकाने होते तो हम ना चिपका देते, ये तो इसीलिए पापा का टेस्ट हो रहा है कि पापा कितनी जल्दी बदलते हैं। ओके रेडी सेट गो। लेडीज एंड जेंटलमैन द विनर इज रितेश देशमुख। देखो ये वो वाले पर चेक किए जाएंगे सबके सही लगे हुए हैं कि नहीं, अभी तक मैंने 3 चेक किए रितेश, सबके जो हैं वो बम से नीचे नीचे ही हैं। तशरीफ तशरीफ, इधर भी नीचे है। ये, एक बच्चे का डायपर इन्होंने सही लगाया है। ओह परफेक्ट परफेक्ट, ये भी सही लगाया, बच्चा खुश भी बहुत है। परफेक्ट परफेक्ट, इसको बोलते क्वालिटी क्वालिटी, क्या बात है। ये रितेश ने नीचे खींचा अभी, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस, भी दोनों बहुत ही। अच्छा हमारे टाइम पे डायपर होते ही नहीं थे पता। नहीं मैं बच्चे को पॉटी के लिए रेडी कर रहा था, अगर डायपर चेक कर बोला पॉटी तो सीधा मैंने पूरा खोलो सब। हाँ ये हटा दो प्रॉप, अरे ये सिर्फ बैंक ही चोरी नहीं कर रहे, इन्होंने तमाम दूसरी फिल्मों के पोस्टर भी चोरी किए हैं। अब पता नहीं ये आइडिया किसका था, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स हैं बैंक चोर के। ये कौन सी फिल्म का है? बैंग बैंग, बैंग बैंग का, इसके आगे भी है। अच्छा 2-4 चीजें करनी हो रितेश, एक आध ऐसा लेडीज फ्लेवर तो जरूर डाल ही देते हैं बीच का। ये विद्या बालन जी की फिल्म है अच्छा, हाँ दंगल, नीचे देखो कौन बैठा है। क्या पोस्टर में एक हाथी है, घोड़ा है और गधा भी है, और गधे के नीचे मैं बैठा हूं। एक और भी है, नो वन लिखा है, ये क्या है? बहुत बैंक चोर शो, ये कुछ लग रहा है फैमिलियर। चेक करो कहीं सिद्धू पाजी के कॉस्ट्यूम में भी इन्होंने खिंचवाया हो कुछ। ठोको ग्रू बैंक। एक बात तो है, हर लुक में कमाल लगते हैं रितेश आप। ये आपने वैसे ये किसका आइडिया था रितेश, कि सब फिल्मों के पोस्टर चुरा के अपनी फिल्में लगा दो? प्रोड्यूसर का था। अच्छा एक अच्छी बात करने का दिल कर रहा है, एक कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर करके विवेक की कंपनी है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप खुद हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। हम वैसे अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं। ओके मैं कर्म को एक कंपनी नहीं एक परिवार मानता हूँ,
हमारे पास करीबन ऑलमोस्ट ना 500-550 एम्प्लॉयज की टीम है। हम सब ने सोचा कि जब हमारे देश के कुछ ऐसे बहादुर जवान जो अपनी जान खतरे में डालते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, जी अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनके परिवार वाले जो दिल पे पत्थर रख के अपने जवान बेटों को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे, अपने फादर को भेज देते हैं हमारे लिए नक्सली इलाके में या फिर बॉर्डर पे, और उनकी जान चले जाती है, तो मुझे लगा कि हम सबको मिलके कुछ करना चाहिए। तो ये हमारे परिवार की तरफ से एक छोटी सी पहल, एक भेंट है। हमने भी 25 ऐसे शहीदों के परिवारों को फ्री घर दिए हैं और 25 और देंगे। बहुत अच्छी बात है सर, ये हमारे रियल हीरोज हैं जो हमारे लिए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। और बहुत बार ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि आतंकी हमलों में जो है हमारे बहुत सारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। सरला आई, अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सरला नहीं, इंस्पेक्टर सरला गुलाटी। अब यू कंडक्टर सरला कम। मैंने कहा इंस्पेक्टर सरला गुलाटी। अरे कंडक्टर अच्छा लगता है तू, इतनी हाइट के साथ पुलिस में कौन भर्ती होता है? एक्सक्यूज मी। अरे सरला बैठ के बात करते, गेस्ट आए। नहीं मुझे बैठना नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो मैं नहीं करती, जो मैं नहीं बोलती वो मैं क्यों करूँ। तेरे को ये बोलना चाहिए कि जिस लंगर में मैं जाती हूँ वहां तो मैं खाती ही हूँ, जहां मैं नहीं भी जाती वहां अपनी बहन को भेज के मंगवा लेती हूँ। देखो कपूर शर्मा, मेरी जमीर में दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। तेरा विटामिन डी भी कम है, तेरे को पता है? डॉक्टर ने कहा विटामिन डी कम है, दवाई नहीं ली, धूप में खड़ी रही 2 दिन। और मेरे से हसीनाएं भी दुनिया में कम है। और कुछ टाइम वेस्ट मत करो। क्या बात है। देखो बाबू, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं बैंक चोर को अरेस्ट करने आई हूँ, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। अभी बोल रही है थाने चलो, बाद बाहर जाके बोले चलो कुछ खाने चलो, भूख लगी है। ऐसे बोल देती है हमारे गेस्ट को। तुम्हें सिर्फ कमियां नजर आती है, टैलेंट नहीं दिखता तुम्हें। टैलेंट तो बहुत है, ये तो बात माननी पड़ेगी। एक बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा था, इसने उसे छीन के ना ऐसे मुंह में डाल, उसका वो घुमरू सा पूरा खा गई कुड़च करके, उसकी डंडी दे दी, बच्चा रोया, कहती रो ना, बड़ा होएगा मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनूंगी। देखो मैं ऐसे किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनती, ओके? माना हम चावल है लेकिन बनना है तो सिर्फ बिरयानी, खिचड़ी नहीं। ये सही है, ऐसी बातें बोल बोल के पेट भर लेती है। तो रायता भी बोल देती ना तो तेरा रात का डिनर हो जाता। रायता बोलने की क्या जरूरत है, वो तो अभी तुम फैला ही रहे हो। क्या बात है सरला, आज बड़े फॉर्म में आई। तो फॉर्म में नहीं, यूनिफॉर्म में आई हूँ और तुम्हें इन्फॉर्म करने आई हूँ। क्या बात है। और तुम्हें इन्फॉर्म करने आई हूँ कि मैं इन्हें अरेस्ट करने आई हूँ। जाके रेस्ट कर, तू कहाँ रेस्ट करने के चक्कर में पड़ी हुई है? तेरे पास क्या सबूत है ये बैंक चोर है? मैंने इनकी गाड़ी की तलाशी ली है, उसमें से चोरी का माल निकला है। अब आप इसकी तलाशी लेना, देखना आपका कार स्टूडियो निकलेगा। ये ऐसी नकली पुलिस है ना, 100 पे आती है 10 दे दो चली जाती है। देखो मैं सिर्फ दिल में आती हूँ, समझ में नहीं। अरे क्या खा गया ये तू? ये कहीं पे भी आ जाती है, आपको पता है, कुकर में दाल चढ़ाओ, कुकर में सीटी नहीं आती, पहले आ जाती। वाह दाल बनी है। खुद की दाल गल नहीं रही, दूसरी की दाल पे बड़ी नजर है कप्पू की। अरे आज सुना, आज तो बड़े डायलॉग याद करके आई है, सिंगम वाला सुना। मैं ना यहाँ ऑडिशन देने नहीं आई जो तुम्हें डायलॉग सुनाती बैठूं, समझ में आया? ओए देख तू ये ड्रेस पहन के बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, अभी जा वापस करके आ, भाड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। एक्सक्यूज मी, ये हमारा खानदानी ड्रेस है, ओके? मेरे दादाजी पुलिस में हुआ करते थे। वाह अभी दादाजी आ गए। इसके दादाजी एक बार पुलिस की वर्दी पहन के चलान काटने गए, कहते ये तो डाकिया की ड्रेस है, कहते चलो चलान रहने दो फिर दिवाली दे दो। तुम तो बड़ा जानते हो ना, बचपन के दोस्त हो मेरे दादाजी के। देखो तुम कानून का वक्त जाया मत करो, मैं इन्हें कचहरी लेकर जाऊंगी। जा कचोरी लेके जा, बैठ के आराम से खा, दिमाग ना पेट भूखा होना तो दिमाग ऐसी उलझुल हरकतें करता है, दिमाग शांत रहेगा, खा बैठ के। ये डंडा ना बहुत जोर से लगेगा। जोर से ही लगना चाहिए, मेरे को कम में, मेरे को मांगता भी नहीं है। सरला तो पुलिस में कब भर्ती हो गई पहले बता। स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुई, 200 मीटर की दौड़ लगाई थी मैंने। उसको दौड़ना नहीं, दौड़ाना कहते हैं जो पुलिस ने दौड़ाया। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इंस्पेक्टर का मजाक उड़ाते हुए? ये देखो स्टार नहीं चांद लगा हुआ है मेरे कंधों पर। मुझे लगा तेरा एक आध बियर का गिलास भी लगा हुआ है। तो
तभी सिक्योरिटी टाइट लग रही है मेरे को। देखो कपूर, शायद तुम जानते नहीं लेकिन मैं क्रिमिनल्स की हड्डियां ही नहीं उनकी हिम्मत भी तोड़ती हूँ। हाय हाय, क्या बात है। अरे पता है तू कुछ भी बन के आए, लास्ट में तुझे डांस करना होता है। हाँ तो चलो आइए सर, मोस्ट वेलकम विद द बैंक चोर एंड द कॉप। चलो सरला, वो कह रहे हैं ना बच्चों की पुलिस की, जो इंस्पेक्टर उसको बुलाओ, उधर बच्चों का लॉलीपॉप चोरी हो गया, चलो फटाफट जाके ढूंढो, चलो केस आ गया पहले ही। सर आपके फैंस आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं फिल्म के बारे में, तो जो भी आप पूछना चाहते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मैम। हेलो रितेश सर, हेलो विवेक सर, हेलो कपिल सर एंड हेलो सिद्धू सर। मेरा नाम निधि है और मैं गुड़गांव से आई हूँ। हाय, मेरा क्वेश्चन विवेक सर और रितेश सर से है, आपका मूवी का ट्रेलर देखा है बैंक चोर, तो ट्रेलर तो बहुत अमेजिंग है मगर उसमें थोड़ा रोमांस, थोड़ी रोमांटिक सीन्स, रोमांटिक डांस नहीं नजर आ रहा है, तो क्या कुछ आपने परहेज किया है इस मूवी में रोमांस से? इसका जो पार्ट टू आ रहा है जिसका नाम है दिल चोर, उसमें रोमांस होगा। एक बैंक लूटने गए, गोलियां चल रही, कहां रोमांस निकलता है, डर के मारे नहीं निकलता, हो भी तो वैसे आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि मुझे कोई रोमांस नजर नहीं आया और आप आई एम श्योर इतना अच्छा रोमांस कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे साथ एक रोमांटिक ट्रैक पे थोड़ा डांस करें। इसका एक छोटा सा क्लिप बना के पहले से बंद हो गया, बंद हो गया क्या, इनके घर भेजा जाए। चल थैंक यू। किसका फोन आया था, जिनिलिया का? हमने एपिसोड से पहले भेजेंगे आपके घर, 10,000 रुपए कमाएंगे, शाबाश, हमारी स्कीम कामयाब रही, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू निधि, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? सर मैं जी, सर हमें रीति सर के साथ डांस करना है पांडे की सिटी के गाने पर। आ जाओ चलो। अब डांस करते हैं आप? जी सर, हम डांसर भी है और एक्टर भी है, तो ट्रैक प्ले करें आपके लिए। हाँ चलो, आप यहाँ करो, हम आपको कॉपी करेंगे, आपके आपके दो बैकग्राउंड डांसर आपके साथ पीछे पीछे। क्या बात, क्या बात है। डले। ये आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट। दोनों में से बड़ा भाई कौन है? आप बड़े भाई हो तो आपके लिए, छोटे को भी देना है यूज करने के लिए, ठीक है? और है हमारे पास, क्या बात है। तो ये आपके लिए, बहुत बहुत ब्यूटीफुली परफॉर्म किया आपने, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। आपके शो में काम चल रहा है, अगर फ्यूचर में अगर हमारे लिए कुछ काम हो तो। हमारे तो जो पहले करते थे वो भी निकल गए, तो हम इसीलिए हम नए आने वाले। सो स्वीट, थैंक यू सर। पर आप मिलते रहा करो, मजा आया आप लोगों को मिलके, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आने दिया करो, हम मिलके मिलने आए, फोन नहीं आने देता आपको। मैं नाम बताऊंगा तो बाहर जाके मुझे पीटेंगे। आप सब लोग ध्यान से देख लो यार, कभी भी आए आप, कभी भी आओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? क्या बात है, थैंक यू सो मच, ये भी ले जाइए। अच्छा, बहुत अच्छा डांस किया है ना, जबरदस्त। हम लोग यहाँ पे सिटी के मिलके एक प्रोग्राम करते हैं, के भैल करोड़पति, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फटाफट लेके आइए। गुड इवनिंग जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, हमारे सोनी के इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि सब पे सोनी का भी स्वागत हो रहा होगा। हमारे इस खेला में आज हम स्वागत करेंगे बैंक चोर से रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय जी का। नमस्कार, थैंक यू संतोष जी। ऐसे क्या देख रहे हैं, क्या खूबसूरत लड़की बहुत टाइम के बाद देखे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो आते वक्त उन्होंने मुझे देख लिया था, ऐसी बात नहीं। अच्छा, तभी इतना मूड खराब है इन लोग। हेलो हेलो, अच्छा हेलो, हाँ जी क्या कर रहे हैं? आज जिस जहाँ मैं फोन कर रहा हूँ वो फोन व्यस्त है, अच्छा फोन बंद है, तो तुम बात कर लो। हेलो, एक ही बात बोली जा रही है, और तू लड़की की मेरी वाइफ है, चल फोन रख। सिद्धू साहब, पूरे देश में मुहिम चल रही है कि लड़कियों को आगे बढ़ाओ। हाँ। एक आप ही हो जो लड़कियों को पीछे बिठा के बैठे हो, इनको आगे बढ़ाओ। मैं आपको देख के बड़ा मजा आया। अच्छा ये लोग आए, मुझे किसी ने बताया नहीं।
हाँ, ये हमारे मोहल्ले की मौसी है, इनको सब पता होना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है। टोपी मास्टर, तुमको किसी ने बताया नहीं 6 महीने से सेम टोपी पहने हो तुम? अत्तू, ये एक्चुअली जो आप लोगों ने ग्रेट ग्रैंड मस्ती में चीजें की हैं, ये सब उसी का फल है। इतना बड़ा फल कौन सा होता है? क्षेत्रफल। अतरला, तू इधर क्या कर रही है? मैं यहाँ पे एक्सपर्ट अपॉइंट हुई हूँ। ये देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। चलो भाई, मेरा भी मेन काम एक्सपर्ट का ये, मैं भी बैठूंगा। हाँ, ये एक्सपर्ट, हाँ ये चौराहे पे खड़े रह के इशारा करते रहते हैं सारे बाइक वाले लोग को। आपका लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है आपका, ये काम। अच्छा, मैं हर तरफ देखता हूँ लेकिन इसकी तरफ मेरे से देखा जाता। इसको देखता हूँ ना, मुझे उल्टी भी आ रही होती तो सीधी हो जाती है। चलो भी, चलो लेट हो रहा है, ठेला शुरू करो। ठेला नहीं, खेला होता है। अब पैर के नीचे 4 पहिए लगा के देख, देख ठेला बनता। बेकार का बात करते हैं, खेला शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा आइसक्रीम के लिए। अरे एक मिनट, खेल तो पैसे के लिए होता है। लेकिन जो पैसा हमारा जिस बैंक में था ना, वो लूट लिया ना इन्होंने। अब नहीं है पैसा, अब आइसक्रीम के लिए खेलना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैं एज ए दुश्मन तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, सलाह मत दीजिए, सलाद दे दीजिए, पेट भी भरेगा। अच्छा, खाना खा के इतना सूझ गई है, खाने के अलावा इसको कुछ सूझता ही नहीं है। मैं आपके लिए एक बात कह सकती हूँ? क्या? चुप! पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, बैंक में चोरी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मजबूरी, बी बहन की शादी, सी शुभ मुहूर्त, या डी कंपनी। क्या बात, क्या बात। सबसे जरूरी होता है बैंक है? आज नहीं तो चोरी तेरी माँ के घर में करेंगे। अरे लेकिन चाचा जी, ये ऑप्शन तो था नहीं। अच्छा हुआ तू बोली, मुझे पता चला तू अभी इधर ही है, चल अंदर चल। रहने दीजिए, देखिए आप जो भी जवाब देंगे उसे हम लॉक कर। अरे लॉक कैसे करेंगे, मैं ताला लाना तो भूल ही गई। सरला जरा अपना मुंह देना। खबरदार, मेरी भतीजी के बारे में ऐसा कहा तो ध्यान से देखो, इसका मुंह ऐसा जैसे लैंडलाइन हैंग हो गया है। बिल्कुल नहीं भरती अपने मुंह का। बताइए जवाब क्या होगा? बहन की शादी की मजबूरी। ये लीजिए, आपने दो मिक्स किया है लेकिन ये सही जवाब है। क्या बात है, ये लीजिए, मजा आ गया। आपको मिलता है एक स्क्रैच एंड विन का मौका। एक मिनट रुक जाइए। स्क्रैच एंड विन, ये खुजवाएगी तो नहीं? थोड़ा यहाँ पे स्क्रैच कीजिए। अरे वाह, आपको तो लॉटरी लगी है, आपको हमारे साथ डांस करने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कमाल का सिखाए हैं। अच्छा, आपका वो बिल्डिंगें वगैरह बनाने का काम है, आप इसको लेके जा सकते हैं। मुंह में सीमेंट डाल के ब्लू करके ऐसे मसाला बनाती है ये। सारी बातें सारे राज। देखो अभी खेल मैं खेलूंगा, चलो उतरो। हैं? चलो उतरो, नीचे उतरो। अरे अभी क्यों? अरे चलो उतरो नीचे, इतना मुश्किल से ऊपर चढ़े थे, अभी उतार दिया। हाँ जी। 4 कुर्सियां लगा के बैठा करो, सारा डिपार्टमेंट बाहर लटक रहा था। अच्छा, ये सवाल है पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। विदाई के समय दुल्हन को रोना क्यों आता है? उसके बाप का खर्चा बहुत हो गया है और दूल्हे के रिश्तेदार नाच रहे हैं, इस बात का गुस्सा है। ऑप्शन बी, जमाने को दिखाने के लिए रो रही है, वैसे उसको हनीमून पे जाने की खुशी है। ऑप्शन सी, उसको कोई चुटकुला सुनाने वाला नहीं होता। ऑप्शन डी, उसको पता है मेकअप वाटरप्रूफ है, आंसू से खराब नहीं होगा। वो इसलिए रोती है क्योंकि उसकी सेल्फी खराब आई होती है। बिल्कुल गलत जवाब, तुम्हारी तरह नहीं वो। ये इसकी परसों सेल्फी खराब आई, दुकानदार को जाकर थी फोन ठीक कर दो, सेल्फी खराब आ रही है। वो कहता फोन ठीक है, मुंह सही करवाओ। ये आपके गाने का वो ट्रेलर हम देखा है, ऐसे वो आपका कोई बोतल ग्लास के साथ टक 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 बहुत कमाल करते हैं। एक बार दिखा सकते हैं हम? रितेश एक्टर बनने से पहले चाय बेचा करते थे कॉलेज के बाहर कप्स के साथ में, ऐसा वहां से उन्होंने बहुत जबरदस्ती सीखा हुआ है, चाय बेचता था। हाँ दिखाइए ना, एक बार दिखाइए, मजा आ जाएगा। जोरदार तालियां। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। बहुत अच्छा, आप अपनी तशरीफ इधर रखिए जी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
शादी के समय दूल्हे को घोड़े पर क्यों चढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि घोड़ी दूल्हे पे बैठेगी तो बुरा लगेगा। ऑप्शन बी, मौका है भागना चाहो तो भाग सकते हो। ऑप्शन सी, ताकि वो फीमेल से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। ऑप्शन ई, उसकी एनर्जी बचाई जाती है। आप चाहे तो फोन फ्रेंड कर सकते हैं। फोन फ्रेंड कर लेते हैं। किस फ्रेंड को करना चाहेंगे? किसको करना है? घोड़े को कर। घोड़े को कर। ये अब मेरे से मिलेगा घोड़े को। हाँ। घोड़ा। हेलो। मिस कॉल गई। कॉल मी बैक। मैंने 2-3 बार पहले भी ट्राई किया, घोड़ा फोन नहीं करता, बहुत गधा है। बताइए दूल्हे को घोड़ी पे क्यों चढ़ाया जाता है? ऑप्शन सी, ताकि वो फीमेल से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। बहुत सही जवाब, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू। ये सवाल का सही जवाब देने के बदले में आपको मिलता है एक और सवाल। जीएसटी पास हुआ है जी, तो कितने नंबर से पास हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन डी 2.5%। 2.5% कैसे हो सकता है? डी से 2.5 होगा, डी से क्या 2.5 होगा। ऑप्शन ए 80%। इसमें तो 2 लड़के पास हो सकते हैं, 80%। तुमने जितनी साड़ी पहनी हुई ना, ये भी 2 औरतें पहन सकती हैं। सुनो, ऑप्शन बी, जीएसटी ने टॉप किया है। अगर टॉप किया है तो जीन्स भी किया होगा। तेरी माँ का बाप। तेरी माँ का बाप। ऑप्शन सी। सी क्या है? सी, जीएसटी पास हो गया, तुम पढ़ाई नहीं करती हो। अरे चाचा जी, मैंने ग्रेजुएशन की है। हाँ तो 10वीं कौन करेगा फिर? अरे 10वीं के बाद ग्रेजुएशन होती है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं ठहरा एमए पास, मेरे को क्या पता। अच्छा बदला, फटाफट अंदर जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ, मुझे भूख लगी, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा तुम रात रात भर कस्टमर केयर वालों से बात करती हो। चाचा जी बहुत हो गई बेइज्जती, ये संतोष मुझे नहीं बनना, ये एक्सपर्ट है एक्सपर्ट। ए, तो चल जा रहा है यहाँ। जाने दो। अब अगला सवाल जो है हम पूछेंगे, हमें बताइए कि ऐसे कौन से वाले इशारे हैं जो लड़के लड़की को करते हैं तो लड़की थप्पड़ मार देती है, ऐसे इशारे कौन से हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये इशारे आपको करने होंगे। तुम को एक इशारा करके बताओ। इस बात पे तुम्हारे पेट के अंदर तलवार बनती है। देखिए ऐसा ये तरीका नहीं है, ऐसा फाइटिंग नहीं करते हैं जी। अच्छा हम ऐसे टहल रहे हैं, आप इशारा करते हैं। ओके। ए छमिया, हाय हाय हाय, क्या कमर है, हाय कमरा है कमरा, क्या बदन है, हाय हाय हाय, कम खाया कर फट जाएगी छमिया। ए छमिया, फिल्म देखने जाएगी? हाँ, कोने की सीट मिलेगी तो जाऊंगी। तो जाना, यहाँ क्यों मूड खराब कर रही है? रहने दीजिए, नहीं खेलना है हमको ये खेला। ये कैसे ही ऐसे थोड़ी छेड़ते हैं, किसी लड़की को ठीक से छेड़ते भी नहीं है, हम नहीं खेल रहे हैं, गलत बात है ये। अच्छा तू रोई, मेरी हंसी निकल गई। मुझे बड़ा मजा आया जब तू रोती है। इसी खुशी में आज का खेल समाप्त करते हैं। और आपके साथ लेते हैं एक सेल्फी। संतोष थोड़ा उधर हो, तेरा मुंह अंदर आ रहा है। एक बार रितेश और विवेक के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates